आप सबका स्वागत है इस्कॉन द्वारका दिल्ली मंदिर में। और इस बार जन्माष्टमी में क्या खास है, तो जन्माष्टमी हर जन्माष्टमी खास होता है, इस बार विशेष रूप से भक्तों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की व्यवस्था की गई ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वरिष्ठ जनों को कष्ट ना हो, जो बच्चे हैं उनको कोई कष्ट ना हो, और जो लेडीज़ हैं उन सबके लिए भी अलग अलग व्यवस्था किया गया सबके लिए। और इस बार भगवान को विशेष रूप से 1,00,000 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। हर बार हम भगवान के सेवा में भक्त बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और हर बार भोग की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ये भगवान जिस प्रकार से अनंत है उसी प्रकार से उनकी सेवा भी अनंत है। और अलग अलग स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप यूथ प्रोग्राम किस प्रकार से बच्चे जो है वो गलत आदतों में ना जाए उनके लिए प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए उनको ड्रामा ड्रेसिंग आदि के लिए प्रोग्राम है, और जो वरिष्ठ जन है उनके लिए अलग प्रोग्राम है, गर्ल्स फोरम है उनके लिए गर्ल्स के लिए अलग प्रोग्राम है, और पंडाल में लगभग 1,000 लोगों के रहने की और दर्शन करने की व्यवस्था है, सबके लिए प्रसादों की व्यवस्था है, कोई भी भक्त भूखा ना जाए, तो सबके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और बहुत ही भव्य उत्सव भी चल रहा है, आपको सबको पता है कल जन्माष्टमी आने वाली है, और उसके एक दिन पहले हम अधिवास प्रोग्राम करते हैं, अधिवास सेरेमनी होता है जिसमें भगवान का हम स्वागत करते हैं और भगवान को हम वो सब वस्तुएं ऑफर करते हैं, दिखाते हैं जिनको हम कल भगवान को अर्पित करने वाले हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो उत्सव है, शुरुआत आज सुबह से हुई है, सुबह में नरसिंह भगवान का यज्ञ हुआ है। नरसिंह भगवान है जो कि सारे भक्ति में आने वाली बाधाओं का नाश करते हैं, जो सेवा में आने वाली बाधाओं का नाश करते हैं, और जो भी अपराध करते हैं उसको क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दिन पहले ये प्रोग्राम रखते हैं और ये हर जन्माष्टमी में मनाया जाता है। तो विशेष रूप से इस दिन क्या खास है, भगवान नरसिंह का यज्ञ हुआ, सुबह सब भक्तों ने एक दूसरे को बधाई दी, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे ताकि कोई भक्ति में सेवा में बाधा ना आए। और अभी शाम हो गया है और अभी क्या हो रहा है, अभी अधिवास सेरेमनी का मेन जो पार्ट है कि भगवान को वो सब वस्त्र अलंकार आभूषण आदि जो भगवान को कल पहनाए जाएंगे वो आज उनको ऑफर किए गए हैं, उनको दिए गए हैं ताकि भगवान खुद चूज करें उनका क्या पसंद है। जिस प्रकार से हम अपना पसंद चूज करते हैं अपने जन्मदिन पे आने पे, उसी प्रकार से भगवान के जन्मदिन आने से पहले हम वो सब चीज़ें भगवान को दिखाते हैं। इसमें गंगा जी से आए हुए जो मिट्टी है वो शुभ होता है, अक्षत है, दुर्वा घास है, भगवान को जो चंदन घिसा हुआ चंदन है वो अर्पित करते हैं, और जो भी नए नए आर्टिकल्स होते हैं भगवान को वो सब हम आज के दिन देते हैं ताकि भगवान खुद उसे पसंद करें। और भक्त लोग अलग अलग जो गिफ्ट्स हैं वो ला कर भगवान को आज देते हैं, भगवान का जन्मदिन कल है। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही शुभ उत्सव है, तो इस प्रकार से आप उसे भाग लेके अपना जीवन सफल बनाएं। और कल अवश्य सब से निवेदन है जन्माष्टमी में आए, भगवान के भव्य दर्शन करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाए। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन द्वारका दिल्ली मंदिर में। हरे कृष्ण।